हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी ऑन मैनजाइटिस मैनन्जाइटिस नाइन मंथ के बेबी को हो रखा है मैनन्जाइटिस का होते सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ स्पाइनल एंड ब्रेन में जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें इंफ्लमेशन कॉज हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू जिसकी वजह से मैनजाइटिस कॉज होती है पेशेंट की चीफ कंप्लेन एंड प्रेजेंट जो सिम्टम्स हैं वो मैंशन करने के बाद बर्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेशेंट का लिखते हैं कंप्लीट फ़िजिकल एग्जामिनेशन लिखते हैं क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है सब सिम्टम्स एंड उसके जो तो भी एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं सब मेंशन करते हैं उसके बाद हम पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं एंड क्या क्या कर टेस्ट करवाए हैं इमेजिंग स्टडीज़ वो लिखते हैं मेडिकेशन मैंशन करते हैं अनोटमेंट फिजियोलॉजी ऐड करते हैं आ, हमेशा हम केस स्टडी बनाते हैं तो उसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड जो भी डिजीज़ हो रखी है उस डिजीज कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं अंटिल द मैनेजमेंट देन उसके बाद हम यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस एंड थ्री एनसीपी एक्सप्लेन करके हेल्थ एजुकेशन ऐड करते हैं हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट के पे, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कैसे पेशेंट की केयर करनी है एंड कैसे उसका डाइट हाइजीन मेंटेन करना है लास्ट में समरी कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी भी ऐड की है मैंने अगर आपको कहीं भी भी केस uh, स्टडी में या फिर मेरे अदर वीडियोस में भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड uh, अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग